ओए ये कितना खूबसूरत है यार। ओए कुत्ते वाले याद आए थे तुम लोगों ने? मैं डाइटिंग अगर मेरे निकाह पे बारिश हो गई तो क्या करेंगे? आवाज चेक कर, थंडरनेस चेक कर। आप भी इधर पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही है, कुत्ते को कुत्ता पार्टी कर गए। वो बड़ा प्यारा था, वो साफ था। अच्छा फिर भी आपको हाथ धोने चाहिए, आपने कुछ खाना होता है। और अब हम जा रहे हैं गाइस ज्वेलरी लेने के लिए। इन सारी हजरातों को पता नहीं किस तरह मैं निकाल रही हूँ यहाँ से, मगर ये निकल नहीं रही। चलो जल्दी करो, बाय 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 डोलो मोलो। वो कुछ नहीं करता अपनी जगह से, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता बबलू, कुछ नहीं करता। हम जा रहे हैं, दिल्ली मस्तियां कर रहे हैं। मानो बस, मानो बस, मानो हमने निकलना। बाय बाय बाय, आगे का तो नहीं ना। चलो चलो चलो, नहीं कुछ खाता इतनी तुम फिक्र ना करो, अपनी फिक्र करो। चलो बैठो गाड़ी में, राबिया आ जाओ, लेट्स गो। जो यार यार राबिया जल्दी बैठो। उफ अल्लाह, मेरी ग्लासेस। ये क्या था? शिट, मेरी ग्लासेस। ये बर्तन आए थे, मेरी ग्लासेस। तुम्हारी ग्लासेस? आपने बैग खोल के देखो। मेरे पास नहीं है, बंद कर। एक मिनट खोल के देखो। सो गाइस हम लोग क्या लेने जा रहे हैं? ज्वेलरी। ज्वेलरी ये देखो जरा, आप अपने गहने लेने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें सेलेक्ट करते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर दी थी बनने के लिए, वो बन के आई होगी, वो पिक करनी है। और बाकी बहनों ने भी वहाँ से डायरेक्ट खरीदनी है। तो लेट्स सी क्या हुआ है। एक निकाह के लिए इतना लंबा सफर क्यों, जाओ फिर वापिस भी आओ यार। ड्रामे शुरू हो गए, अभी निकले हैं, कोई नहीं है ना। उसे डाला शुरू आ रही है। मैंने नहीं 3 दिन तक सफर करना, मुझे घर छोड़ के जाओ, मैंने नहीं जाना। तो 3 दिन तक तुम्हें कौन सफर कराएगा? आप लाहौर में शादा नहीं कर सकती थी निकाह, सॉरी। तब तो बड़ी एक्साइटेड होती है डेस्टिनेशन। हाँ हाँ इस्लामाबाद, ठीक है इस्लामाबाद। तो डेस्टिनेशन उस में कोस्टर पे जाती तो मैं खुश होती, नाच गाना होता थोड़ा गाड़ी में। अभी मेरी रेड हो रही है। हाँ रेड हो रही, कुत्ते ने काटा तुम्हें। What is this? आप भी खांसी करने के लिए आगे हाथ किया तो वो भी नहीं किया था। खांसी किया तो भी खांसी की तरह निकल रहे। सो गाइज हम लोग गए हैं पहुंच। इसको बदबूदार को परफ्यूम चाहिए। अपने बैग में परफ्यूम भी रख लिया करो, इतना बड़ा बैग रखा हुआ है। मच्छी है पता नहीं, ये पागल गर्ल, बेवकूफ गर्ल, यहाँ से मैं फ्लांगती हूँ ऐसे करके। आपकी ऐसे भी करता है? हाँ इकरा कबल करती है, देखना। खटिया केड़ा परफ्यूम लाया है? या ला उसको पकड़ो सड़कों से, दोनों वॉइस नोट पे लगी हुई है फोन पे। खुल चुका है। वालेकुम सलाम। चलो बाकी हजरात तो चलो चलो चलो, सबको घुसा के घर के अंदर, मैं अंदर जाऊंगी। तो गाइज हम लोग यहाँ आ गए थे, मम्मा एज यूजल कुछ ना करते हुए, हीरा एज यूजल फोन पे बिजी, वो भी अपने फोन पे बिजी, और वो दो हजरात जो है ना वहाँ पे यहाँ पे गई हैं ये दोनों ज्वेलरी की दुकान में, और पागलों की तरह बस टूटम टूट होते हुए। गर्ल्स ओए ये कितना खूबसूरत है यार, ये वाला, ये अच्छा हेड पीसेस है सारे जो है ना। वो मेरे सामने इतने सारे जो है वो झूमर है, एक ये वाला है, और एक ये मैंने गले में पहना हुआ है मैरूनिश में, ये मैरूनिश टच है इसके अंदर काफी सारा। एंड गाइस टेल मी व्हाट शुड आई गो विथ, मैरून वन इस तरह वाली साइड में, या एक और है वो मैं पहन के रखा अगर ये लगी हुई अपना कारोबार करने। एक और था ये वाला मैरून, वो वाला मैरून अच्छा लग रहा है, या फातिमा ये वाला मैरून अच्छा लग रहा है। कौन जो अच्छा लग रहा है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, जो मैरून अच्छा लग रहा है आपको। देखो ऐसे ऐसे मेले से ना लूटने आई हुई है सारी की सारी, सारी ज्वेलरी पे टूट्स पड़िंग। व्हाट आर यू डूइंग, बैठ गई है रबे जानी, मैचिंग अच्छी होनी मेरे चाहिए। साथ ना ये नेकलेस नहीं होगा ना, क्योंकि मेरा गला कवर्ड है। नहीं बिंदिया किसकी चाहिए मुझे, इसे लगानी है बिंदिया। नो यू डोंट नीड एनीथिंग, आई वांट एवरीथिंग, देन गो। पानी पीना फिर उठूंगी, मुझे खुद इतनी प्यास लगी हुई है गाइस। अच्छा ये वाले सेट पे मैं काफी कंफ्यूज हो रही हूँ, ये किस तरह का लग रहा है। फातिमा मेरा अच्छे वाला सर्वेंट है जो मुझे पानी सर्व कर रहा है। थैंक यू फातिमा, बड़ी बहन की खिदमत करो, तुम्हारी जल्दी शादी होगी।
मैडम के काम चेक करें, नीचे से क्या लग रही है और ऊपर से ज्वेलरी पहन के चेक करें। देख रही हूं कि कैसा मानो ये पहनना, हरगिज़ नहीं वापस रखे हो। नो नहीं अच्छा लग रहा है, चलो नहीं। ये हमारा जो है ना ये ओपल बाय मदिया एहसान की ना स्टेटमेंट पीसेस हम लोग देख रहे हैं। राबिया तुम ये लगा लोगी ना तो तुम दुल्हन लगोगी, तो मैं निकाल दूंगी बाहर। मैं भी लगा रही हूं, मैं दुल्हन ही बनना। बदतमीजी देखे ये बदतमीजी का हरे दुपट्टे वालियों, जूते ले लो, पैसे दे दो। अभी मैं आपको ना बारी बारी करके सारा यहाँ का टूर कराती हूँ। अच्छा, मुझे ये था, ये देखे कितने खूबसूरत हैं। मैं आपको ना यहाँ पे प्रॉपर टूर करवाती हूँ इनके पीसेस का, जो इनके स्टेटमेंट पीसेस है। ये देखो इतने प्यारा सेट है, ये सारी ज्वेलरी, ये देखो ये बहुत प्यारे हैं, ये वाले बहुत प्यारे हैं। मुझे ग्रीन में जाना चाहिए या फिर मैरून में, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। कि ये ब्राइडल सेट मैंने देखा है, ये जो कि मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि ये पहने, ये वाला कर लें, ये लॉक कर लें, लेकिन ना मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि नो। एंड जो दूसरा हमारे पास आर्टिकल है ना वो ये वाला, जिसके साथ ये वाली बिंदी है, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। एक मेरे पास ये वाला पीस है, ये भी मैंने पहना हुआ था, ये मैंने था। और ये देखो जी ये सर किस तरह का लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है व्हाइट में। ये सारे माला डिजाइन है हमारे पास, मैरून में, ग्रीन में और प्लेन व्हाइट में विद दिस झूमर। और एक हमारे पास है ये लाइट ग्रीन का, और ये हमारे पास है टोटल माला, ये बड़ी प्यारी लगी। और एक ये है प्लेन माला, दिखाओ तुमने कौन सा निकाला है। अस्तगफिरुल्लाह, ये है खूबसूरत लेकिन इतना बड़ा नहीं, ब्राइट भी नहीं है पैंट। हाय अल्लाह, ब्राइड पता क्या लग रहा है, इस तरह लग रहा है हाई नेक पहनी हुई हीरा फांसी के फंदे में चढ़ते हुए। ओह माय गॉड, नहीं हीरा तुम्हारी गर्दन ज्यादा पतली है, उसके इस सेट को पहनने के लिए तुम्हें ना अपनी गर्दन मोटी करना पड़ेगी। वैसे हीरा आई विल सजेस्ट टू वेयर दिस वन, ये देख गिर गई इस वजन से, ये देख क्या प्रॉब्लम है, दिखाना तुम्हें बता दूं, तुम खुद सेलेक्ट करो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारे मुंह पे सूट क्या करेगा। अब मम्मी भी तशरीफ ला चुकी हैं, मम्मी आपको इनमें से जो अच्छा लगा है वो बुक करा ले। क्या हो गया है, नहीं नहीं वेरी हैवी, वेरी वेरी हैवी, नो 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 नो, दुल्हन की अम्मी बनना है। तो ये सारी हजरातें जो है ना वो इस वक्त फुल ये मदिया अभी मेरी ज्वेलरी पे इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे ना कारीगर बच्चे को बिठाया हुआ है कि झूमर टिक्के पे सारे वही नग जो इस लड़की को चाहिए, खुद खुद नहीं वो आ सकती, लेकिन शी इज सच अ स्वीट हार्ट। और मेरी सारी चीजें यही, मतलब मेरी जो ज्वेलरी की होती है ना वो यही मैनेज करती है, खुद करती हूँ ना मैं, नकल नहीं करती लोग बस। हाँ ओरिजिनलिटी है इनकी ज्वेलरी में, और ये इतनी प्यारी कस्टमाइज चीज है, मुझे मतलब हर जगह पे चीज अवेलेबल नहीं होती। वो कहते हैं बने बनाए पीस हैं, खरीदें और जाएं। वो कहते हैं हमारे पास ना टाइम नहीं, हम आपकी लुक डिस्कस करें, बट यहाँ पे आके मैं बहुत सेटिस्फाई होती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी आना अच्छा लगता है, मैं वैसे भी इनसे बातचीत करती रहती हूँ ज्वेलरी के अलावा भी। किधर तैयारी है, मेरा बैग किस खुशी में लेके आई हो? जाना नहीं जाना, सोच लो अगर तुम मुझे वहाँ कहीं नजर आई ना तो बैन हो तो मेरी तरफ से। पुरानी चॉकलेट पकड़ो इसे, पुरानी चॉकलेट है, शक्ल भी तो पुरानी है तुम्हारी, हम नहीं क्यों लेके गई हो, ये लोग ऐसी चॉकलेट पार्टी कर रही है, ये दे दो जैनब उसको। अम्मा को देखें भैया बोर हो रही है बैठ के। ये देखो ये मम्मा की प्यारी बेटी। शर्माओं को आधी रात को लग गई भूख, इधर तुम लोग ज्वेलरी सेलेक्ट करने आए हो, मुझे लग रहा तुम लोग एकदम मेन्यू सेलेक्ट कर करते हुए। हीरा से मेथी की नहीं आ रही, मम्मा चिप्स में से मेथी की आ रही है, फिर आपको मेथी बना दो यार। आत्मा ने ना पूरा मेन्यू मंगवा लिया, बस मैं कहती हूँ इधर मौलवी को बुलाओ और बस नकाश का पढ़ाओ, खाना खुल गया है, शिवी का मैं रोटी खोलेंगे इधर ही तैयार करके बिठा दो। हाँ मैं गाइस अपने हाथ में अपना ज्वेलरी का बॉक्स लेके बैठी हूँ, कह रही हूँ मैं अपनी लुक से ज्यादा आपके लुक के लिए एक्साइटेड हूँ, है ना, क्योंकि है ना कि ब्राइड कैसी दिख रही है, ब्राइड बहुत ब्राइट दिखेगी, कैसी दिख रही होगी जब तैयार हो जाएगी, मैं गलतियां निकालूंगी, नहीं ये नहीं ये ठीक करो वो नहीं वो ठीक करो। मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने स्पेशली कहा कि जो नुक्ता चीनी वाले लोग होंगे उनको कमरे में आपने नहीं आने। मैं हूँ अल्लाह, इसको देखो जरा लंगर खुला है, लंगर कैसे खोला यार, शॉपर कैसे, फातिमा को इंसान प्लेट मंगवा लेता, कोई चम्मच इस्तेमाल कर लेता है। ओए कुत्ते वाले हाथ धोए थे तुम लोगों ने, हाउ डेयर यू गाइस, ये कुत्ते वाले हाथ अब धो रही है और उससे पहले सब खा तहजीब और तमद्दन के साथ यहाँ पे खाया जाए, अदरवाइज तुम लोगों को ना ज्वेलरी सारी वापस लेकर उन्होंने भगा देना। जहाँ जाती है सिर्फ कचरा डालती है, सिर्फ और सिर्फ कचरा यार। क्या कह रही है मदिया अपा ने कहा है कि अपना ही घर समझो, लेकिन इतना भी अपना ना समझो के दोबारा कभी घर ना बनाए। अब किधर जा रही हो, क्या हुआ किचन में गई है?
अपना अगर समझ लिया तो प्रॉपर समझ किधर गई है ये मोहतरमा किचन में यार। हम यहाँ घुस तो आए हैं, पता नहीं किधर गई है। रबिया मोहतरमा पागल रबिया इतना पता कोई लड़की है जब वो खाती है बारिश होती है चमक चमक चम चम। हाँ ऐसे लग रहा है घर पर बनी है ना। सब घर पे बना तो मत सब खाच ना, मेरे लिए भी निकाल लो यार। क्या हुआ मम्मा? क्या हंसले भाई? मैं डाइटिंग पूरी ट्रे पकड़ ली मेरी मम्मा ने, अभी ये डाइटिंग पे। गाइस मेरी अम्मा को प्लेट नहीं मिली, मम्मा इसी में खाएंगी सारा। चलो अब सब जो है ना वो सुकून से खाएंगे। गाइस ये देखिए मैंने अपने लिए ना कुछ ये रिंग्स सेलेक्ट किए हैं। आप ही आपको पता है इतनी रिंग्स ना पहनोगे वहाँ जो लड़की निकाह करती है ना उसको हाथ साइन करते हुए कांपते हैं। तो चले आपके हाथ ही कांपने लग जाए। अब से वैसे ऐसे बात करनी है। राबिया का इतना एक्सपीरियंस है कि राबिया को पता है कि हाथ कांपते हैं। हर लड़की ये कांपते रोती भी आंसू भी निकलेंगे। मैं भी रोऊंगी, मैं नहीं रोना। लेकिन भाई अल्लाह फातिमा को पसंद है। किस तरह की दिखाओ जरा। हाँ अच्छी लगती है। चले जब यहाँ से होने लगी हमारे जाने की तैयारियाँ। गाइस निकल आओ जल्दी तुम लोग। अब तुम लोगों को हर जगह से क्या निकालना मुश्किल है। तुम्हारे हाथ में इतना प्यारा क्या है? ये मेरा मोबाइल है। अच्छा गाइस हमेशा मैं जब भी कहीं शॉपिंग पे जाती हूँ। चलो 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 हटाओ इससे हमारी ज्वेलरी गाइस पूरी हो गई। संभालने की जिम्मेदारी मुझ पे होती है, जहाँ पकड़ पकड़ के रखते हैं। पीछे हर जगह गिले शिकवे करने की जिम्मेदारी भी मम्मी की होती है। चलो गाइस निकलो। चलो मानो मानो हमारा पियन था, मानो लेके जा रहा। फातिमा बस कर दो। क्या मतलब? मेरा मोबाइल। आपका मोबाइल पकड़ ले, कोई चीज ना मत छोड़ जाओ। इनके घर के कैमरे के बाहर ये देख मुश्किल। मेरा चार्जर पता नहीं किधर पड़ा है यार। चार्जर चार्जर घर में घुस तो आई हूँ लेकिन चार्जर कहाँ है? क्या चार्जर? इधर है। चार्जर छोड़ो मैं तो ये शीशा उठा के जाने लगी हूँ यार। कितना अच्छा लग रहा है। वो अलादीन का चरा वो भी है संदूक। ये तो डेकोरेशन पीस है गाइस। मतलब ये कोई ट्रंक नहीं है लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा है। मैं ऐसा जरूर अपने घर में रखूंगी। चार्जर मेरा मेरा फोन। तो जी फोन शोन मैंने पकड़ लिया, मैं यहाँ से निकलती हूँ। ओके खुदा हाफिज। हमको हमारा बाजियाब हो गया। घर मुझे आपका बहुत प्यारा लगा। हाँ और आपका वो ट्रंक भी, वो मैंने चोरी कर लिया। थैंक यू। खुदा हाफिज। इतनी सी जगह ब्राइड को जगह बड़ी चाहिए। बस इतनी काफी पतली सी ब्राइड है। वो ब्राइड इतनी भी पतली नहीं है गाइस। ब्राइड का बैग ब्राइड से मोटा है। आगे और अब मैं फंस गई हूँ। मतलब मैं फंस गई हूँ। चलो अब बस डाको डाक घर को जाना क्योंकि बहुत लेट हो गया गाइस। 2:30 को बज गए हैं इस वक्त और हम लोगों ने नींद पूरी करनी है। सुबह बहुत सारे काम है करने को, मेहंदियाँ शेंदियाँ लगानी है और बड़ी चीजें करनी है। अभी लेट्स गो होते हैं घर जा रहे हैं। गाइस इधर बारिश शुरू हो गई है। जैसे ये मेंटर हुए बारिश बारिश बारिश। इसकी आवाज चेक करो कितनी खूबसूरत है। घर जाते जाते बारिश तेज हो गई है। अगर मेरे निकाह पे बारिश हो गई तो क्या करेंगे? बारिश में नहाने का दिल चाह रहा है। सेम हियर। कितनी खूबसूरत आवाज आ रही है। आवाज चेक कर, थंडरनेस चेक कर। गाइस यहाँ पे इतनी तेज बारिश है, इतनी तेज बारिश है कि मानो नहीं जा रही कि इसका स्ट्रेट खुल जाएंगे बाल। जाने अपने नेल्स का फ्लेक्स मारते हुए मैं अपना मुंह छुपा रही हूँ तुम्हारी तरह। मानो तुम्हारी प्यारा नहीं है तो अभी ऐसे करो कि मुंह छुपाना पड़े। चलो मेरे लिए अम्ब्रेला लेके आओ क्योंकि मैंने वाकई केराटिन कराया, मेरे बाल ना खुल जाए। घी सोच के केराटिन कराया, स्ट्रेट कराया। कब वॉश करने? कल कल। हाँ कल अब कैसे जाना है मम्मा पापा को कॉल करें? मम्मा ये दे दो मुझे। जैनब यू हर्टेड मी जस्ट यू जस्ट। मम्मा अपने लिए लेकर जा रही है, वीजा के ऊपर रखेंगी अपने और मुझे नहीं दे रही है। आजकल की मियां मतलब भी हो गई है गाइस। ये देखो मम्मा मुझे ज्यादा जरूरत है। गाइस चिल करो, बारिश में नहाओ। नहीं नहीं मैं नहीं ना रेस। मम्मा किसी को भेजना कि मैं ना अम्ब्रेला चाहिए मुझे। के लिए बैठी हुई है। ये कोई दरवाजा खोल गया यार। दरवाजा किसने बंद करना था? मुझे ये पिज्जे का डब्बा पकड़ा गई कि इसको अपने सर पे रख के ले आना। मैं कैसे जाऊँ अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम रखेंगे पिज्जे के डब्बे को अंदर, हम करेंगे शीशे को ओहो ऊपर, ठीक है। हम पकड़ेंगे अपना हाँ बैग, हम पकड़ेंगे। मेरी हैंड फ्री भी किसी ने निकाल दी है यार। मतलब सीरियसली यार, ये दी पीपल आर सो इररिस्पॉन्सिबल। अब हम पकड़ेंगे अपने पिज्जे का डब्बा, ठीक है, और वो खुले हुए दरवाजे से जो कि पहले ही खुला हुआ था उसमें से हम निकलेंगे। बाकी का सामान अंदर ही रहने लगे, सुबह उठा लेंगे। ये देखो जरा मेरे जूते गंदे, पाँव गीले। शिट 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 रा बहुत पानी है यार, ध्यान से आई। उई 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 थैंक गॉड इस डब्बे ने हमको बचा लिया। घर पहुंचे हैं तो लो जी मेरे अब्बा साहब तो इतनी ड्रिंक्स की लाइन लगा देते हैं ना।
सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए हैं, सुकून का सांस आया, रेस्ट वेस्ट करनी है, करने को बहुत सारे काम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग, आज की तैयारी बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले दिन, जो कि बहुत एक्साइटेड होने वाला है। कल लगेंगी मेरी मेहंदियाँ, ठीक है, तो वो फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे होने वाला। स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।